ये भाई, ये रहा हमारा ड्राइवर और हम लोग इसके साथ जा रहे हैं। बैठ के चुप करके देख रहा था कि ये लोग क्या कर रहे हैं। ये हम लोग बैठ गए हैं, अभी हम लोग निकल रहे हैं सिटी की तरफ। अभी देखते हैं आज हम लोग कहाँ कहाँ जाते हैं। This is the notes like and like. ये 6th सेंचुरी का है, क्योंकि जो स्टोन्स वगैरह लगे हैं वो अभी तक उसी तरह ओरिजिनल जेन्युइन कंडीशन में है। तो यहाँ के स्टोन वगैरह को देख के ना वाकई लग रहा है कि ये इतना कदीम ये चर्च है। गाइस, इसी चर्च के अगर आप बाहर से देखेंगे ना, जिस तरह कहते हैं दो दरिया, देखें टू रिवर्स आपस में जॉइंट हो रहे हैं। अब आप वहाँ का पानी देखें, वहाँ का पानी कितना साफ सुथरा है और यहाँ का पानी जैसे मडी है, जैसे फ्लड आया हुआ है। और देखें दो पानी आपस में मिक्स नहीं हो रहे। अच्छे दो रिवर, एक जगह पे साफ पानी है और एक तरफ फ्लड वाला पानी है। दोनों जो रिवर है आपस में बिल्कुल जुड़ नहीं रहे हैं, अलग अलग है। अगर आप उस तरफ देखो बिल्कुल साफ पानी है और इस तरफ बिल्कुल मडी फ्लडी पानी है, ये फ्लड से भरा हुआ। सुभान अल्लाह की शान है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। जॉर्जिया में आप आओ तो इस चर्च के पास ज़रूर आएँ और अपने पैकेज में ये ज़रूर इंटर करवाएँ। जिवारी मोनेस्ट्री जो है ना, मोस्टली लोग हैं देखे यही देखने के लिए खड़े हैं। सब लोग फोटो शूटिंग, वीडियो, एवरीथिंग दे आर डूइंग। हम लोग ये अभी चर्च के अंदर इंटर हो रहे हैं। सिक्स सेंचुरी के स्टोन्स लगे हुए हैं और वो कुछ वहां पे इनकी लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है। Thank you.
गाइस अभी मैंने अंदर कुछ चीज़ों की रिकॉर्डिंग की है। अगर आप में से कोई बंदा इस चीज़ के बारे में नॉलेज रखता है कि भाई ये किस चीज़ के आगे यानी कि मन्नत मांग रहे हैं या दुआ कर रहे हैं तो काइंडली प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। मैंने इन भाई को कहा है मेरी पिक्चर भी लें, इन्होंने मेरी पिक्चर भी ली है, थैंक यू सो मच टू दिस गाय। और अभी ये एक और इनकी भी पिक्चर्स ले रहे हैं। और यार ये आप पीछे का व्यू चेक करो यार, ये जो ग्रीनरी चेक कर रहे हो आउट लेवल की है यार। पीछे का आप ज़रा व्यू चेक करें ना, आप ये व्यू चेक करो पीछे का। ओसम ओसम वाओ, दिल ही नहीं कर रहा यार इधर से हिलने के लिए। यहाँ पे जो कुछ स्टोन्स है ना उनको इन्होंने रिनोवेट किया हुआ ताकि इसको संभालने के लिए, लेकिन उसके अंदर वाले जो पत्थर हैं वो उसी टाइम 6th century के हैं। उसके अलावा जो ये स्टोन्स हैं ये वही 6th century के ही लगे हुए हैं। अगर चर्च के बिल्कुल बैक साइड में अगर आप लोग जाएंगे ना तो ये इस तरह का व्यू है। अच्छा गाइस ये भी इस चर्च का कुछ हिस्सा है जो इस वक्त टूट फूट का शिकार हो चुका है, या ये सोवरेनिटी वार की वजह से या किस वजह से इसका कुछ आइडिया नहीं है। चेक करो यार, ये हैं उस डैम के पुराने पत्थर और ये बिल्कुल रेतीले वाले पत्थर हैं और तभी इन ये टूट फूट का शिकार हो रहे हैं। अगर आप इसके अंदर देखें ना तो इनमें वही पुराने पत्थर लगे हुए हैं। अच्छा गाइस अभी हम लोग इस जिवाड़ी मोनेस्ट्री से निकल रहे हैं और ये रही यार बहुत ही यूनिक चीज़ देखने को मिल रही है। आपको मैंने अंदर से भी कुछ चीज़ें दिखाई हैं और आप लोगों को कुछ इसके बारे में नॉलेज है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। अंदर जो ग्रेव थी, कब्र था या क्या था जिसके आगे ये लोग पूजा कर रहे थे, तो प्लीज़ काइंडली मुझे, जिस बंदे को भी पता है, कोई भी क्रिश्चियन बंदा अगर ये मेरी वीडियो देख रहा है प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं।